पांडे जी का बेटा हूँ रगड़ चेतन। अबे चेतन, अबे चाइना में तो घर से ज्यादा होटल है, तू फुटपाथ पे सो रहा है, अबे क्या हुआ? वो बिल नहीं दिया ना, सारे पैसे खत्म हो गए तो सामान भी बाहर फेंक दिया, तो सारी रात यहीं पे सोना पड़ा। बात पता चलती है। अब अगला प्लान क्या है यार? जैसे जैसे पैसे खत्म हो रहे हैं ना, दिमाग काम करना बंद कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें समझने की क्या बात है, चाइना मार्केट तो देख ही लिया, जो माल पसंद आया है उसका 40% एडवांस दे, बाकी का क्रेडिट पे। तो बस इंडिया पहुंचने से पहले तेरा माल पहुंच जाएगा। बुल्लू, सामान मेल पे नहीं भेजना कि मुझसे पहले ही पहुंच जाए, शिपिंग कराना है। यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। बेंचूत, जल्दी चार आने की आती है और उस पे 40 रुपए खर्च होते हैं शिपिंग में, और ये जो तुम दिवाली में घर सजाते 20-20 रुपए की झालरों से, ये सब क्या चाइना से शिप होती है? तो सब दिल्ली में बनता है, यहाँ आकर के बंदा सैंपल देखता है और वही प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है वहां पे। तू बस ऑर्डर कर, लड़की लड़की के लिए चड्डी, उसके लिए सब मिल जाएगा। तू बस अंडरगारमेंट्स भिजवा दे भाई, और कुछ नहीं। क्या हुआ? एक आइडिया है। बताओ बताओ। तुम अंडरगारमेंट के साथ टेक्सटाइल यूनिवर्स भाई, इंडिया में ना लोग अपना ओटीपी शेयर कर सकते हैं। नहीं तो क्या घंटा बजे भाई, चड्डी कभी कभी खरीदते कभी भी करते हैं। तू ट्राई कर, इंडिया में सब बिकेगा। पागल है क्या, इंडिया में इलीगल है। तो तुम्हें कौन सा ठेले पे बेचना है? ऑनलाइन बेचो, किसी को घंटा पता नहीं चलेगा। नहीं यार, बहुत रिस्क है इन सब चीजों में, ऐसे थोड़ी ना होता है ऑनलाइन। अच्छा चलो, प्रोडक्ट मत लेके जाओ, ट्राई तो करो, जब भी ऑर्डर बुक होगा तो भिजवा देंगे। ठीक है, सोचता हूँ मैं। बुल्लू भाई, फिलहाल तो मेरी जाने की तैयारी करा दो प्लीज। ठीक। अबे जिस हिसाब से तुम बता रहे हो, हाँ? भाई हिसाब से तो चाइना को नाम बदल के टर्की रख देना चाहिए। भाई टर्की तो पहले से ही अलग देश है ना। अबे अब एक बात बताओ, ये चाइना में भी ऐसे चूते मिलते हैं? मिलते हैं भाई, चूतिया तो हर जगह है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी के चूतिया यहाँ भारत में पाए जाते हैं। उदाहरण से समझाओ। अब जैसे यहाँ सड़कों पे खुदाई होती है तो भी 100 लोग देखने पहुंच जाते हैं, और वहां सड़कों पे खुदाई होती है ना तो भी कोई नहीं देखता। उधर भी सड़कों पे खुदाई होती है? खुदाई कहानी होती है भाई, बस उनकी खुदाई चा से शुरू होती है। हंस रहा है भाई, जल्दी चलो, पापा मारेंगे, चलो। ये वाली बात तो इतनी सही कही तुमने। भाई सही तो बता रहे हैं तुम्हें। अच्छा हमारी बात छोड़ो, तुम्हें शाम को मिलते। बाप के सर का बोझ बढ़ा के बड़ी हंसी आ रही हैगी। अंकल जी खुश रहो। प्रणाम। हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ, चलो अंदर चलो। आ,
मम्मी क्या ना बेटा आ गए तो पूरा 3 दिन में कितना दुबलो हो गया, कमजोर हो गया मेरा बेटा। मां 3 दिन के लिए तो गया था, ठीक तो है? 3 दिन कितना होते, मेरे तो हालत ही खराब हो गई थी तेरे बिना 3 दिन। कह के गाओ तो इतने से ऑनलाइन बिजनेस करेगा, ऑनलाइन कितने गई ऑनलाइन, ये देखो कितना सामान पड़े देख ले आओ, पहले से चट्टियां है जो ना बिक रही, ऊपर से और आ गई, अब क्या करें इन्हें पहन के हम गुजरा करें करें। पापा ऑनलाइन बुकिंग होती है, डिलीवरी के लिए सामान का स्टॉक तो रखना पड़ेगा ना। अरे सामान तो आ गाओ मोड़ा, ये कहाँ है, आ गाओ ना फिर। अरे बुकिंग कब होगी, क्या करें वो बता। अरे बेटे को कुछ खाने पीने का पूछो, देखो कितना दुबला पतला हो गया है, सारे दिन ताने मारते रहते हैं बस। पापा सुनो, अब वेबसाइट बनेगी, लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, सामान बिकेगा, पैसे आएंगे, पैसे। सामान बिकेगा, पैसे आएंगे, लेकिन बेटा पैसे आएंगे कैसे, ये वेबसाइट बनेगी कैसे, वो बता। खाना खा लो, बहुत भूख। अरे भुक्कड़ कहां से आ गया ये, अरे तुमने कछु खा पी के पैदा करोगे नहीं। साइट तो बन जावेगी, बाकी लाने आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड लगेगो, लेकिन साइट के साथ कंपनी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और करंट अकाउंट भी। ये सब तो हम कर ले, पर जे बताओ ये वेबसाइट पे प्रोडक्ट कौन सा डालना है? लेडीज अंडरगारमेंट है, फोटो खींच के डालनी पड़ेगी साइट पे और मॉडल के साथ। बिना मॉडल के डाले तो लोग बाग ने चड्डी खरीदना है या मॉडल देखना है, है? रे जे ओगो भारत, इते 1 रुपए को शैम्पू खरीदने वाले लोग पहले जे देखते हैं कि कौन सी हीरोइन ने विज्ञापन करो है। ये तो है, वाह। अब मेल मॉडल तो हम दोनों बन जाएंगे। अरे कर ली ना तुमने चिटिया वाली बात। रे कौन सो मर्द साइट से कच्चा खरीदे हुए है, हाँ? अरे दुकान से खरीदे हुए है 100 रुपए वाली, और तब तक पहने है जब तक वो चड्डी पोछा ना बन जाए। फीमेल मॉडल जरूरी हैगी यार, भाभी कर लेंगी क्या मॉडलिंग, हमारी बीबी आएगी कोई पदासी नहीं, ये सब क्या लाने खोई आएगी, तो चेहरा छुपा देंगे ना, फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारी भाभी है। साय हमें तो पता हो हमारी बीबी है, कछु भी। मैंने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं दिखाया, अब पूरी दुनिया को कैसे दिखाऊंगी? सर आप कोई मॉडल क्यों नहीं कर लेते, कोई दिक्कत है का? भैया बजट की दिक्कत, अब यहाँ तो मॉडल मिलेगी नहीं, दिल्ली या मुंबई से मंगवानी पड़ेगी, वो भी फ्लाइट से, फिर 3-स्टार होटल से कम में रुकेगी नहीं, महंगा पड़ेगा ना भैया। मेरी एक फ्रेंड मॉडलिंग में इंटरेस्टेड है, तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? ये मॉडल कम नमूना ज्यादा लग रही है, इससे कैसे करवाएंगे मॉडलिंग यार? मैंने सुन लिया जो तुमने कहा, अब आप मेरी बात सुनो, कुछ मॉडल्स होती हैं इतनी दुबली पतली और कुछ मेरी तरह मोटी और कुछ इससे भी ज्यादा मोटी, इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है मानो जैसे पोषण। अरे अगर मेरी जैसी साधारण लड़की अगर मॉडलिंग करेगी तो लोग कहेंगे अरे जब इतनी सिंपल लड़की इतनी हॉट दिख सकती है तो हम क्यों नहीं, इससे प्रोडक्ट सेल होगी, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। सर पैसे मत देना मगर काम तो दे दो प्लीज। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे यार, वेबसाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, इस लैपटॉप से कहानी शुरू हुई थी ना, आज वहीं पे जाके मेरे ख्याल से जब तक पब्लिसिटी नहीं हो रही है, जाऊ को पता कैसे चलेगा कि ये वेबसाइट पे क्या बिक रहा है ना? अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक यू कहना बहना। एक मिनट रुक, मोनू को फोन करता हूँ। हाँ मोनू, कहाँ पे है तू? हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। ए कंचन, जरा चाय तो दो। एक हाँ देती हूँ। अंकल जी एक बढ़िया सी नाइटी दिखाइए इनके लिए। हाँ जी बेटा, वो मैक्सी वाला डिब्बा दियो। अंकल मैक्सी नहीं, नाइटी। अरे भाई नाइट में मैक्सी पहन के ही तो सोते हैं ना। अंकल हाँ, मगर हमें वो पहन के सोने वाली नहीं, पहन के उतारने वाली चाहिए। पहन के उतारने वाली? ये कौन सी मैक्सी होता है? यहाँ कोई लेडीज नहीं है। लेडीज दुकान में? बेटा अरे आप लोग भी ना, ऑनलाइन के जमाने में लेडीज दुकानदार ढूंढ रहे हैं। ये लीजिए, इस साइट पे जाइए, मैक्सी छोड़िए, सेक्सी दिखिए, क्योंकि कपड़े जितने सेक्सी होते हैं ना, प्यार उतना ही पड़ता है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, मूड ना बने ना तो कहिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा वीडियो बनाकर। क्या बात, तुम पोछा क्यों लगा रही? हम भले नहीं आए क्या? अब नहीं आएगी वो, क्योंकि अब से इस घर की बाई मैं हूं। पता
पत्नी का लिंग लॉक था, लंबा वाला लॉक नहीं, साला वाला लॉक, कहने को लॉक लेकिन इतना सा खड़ा मसाला होके भी हमेशा बैठा ही रहता था। मन किया कि पति ही बदल। फिर किसी ने बताया पति की जगह कपड़े बदलो, सेक्सी कपड़े मंगाओ, जीवन में रोमांस आ जाएगा। फिर उस नए नए रूप में देख के मेरे पति हाई हो जाते हैं। अब उनका लेग सच में लॉन्ग हो गया है। अब लॉन्ग सिर्फ नाम का खड़ा मसाला नहीं है। थैंक यू ऑनलाइन जीवन में रोमांस लाने के लिए। आपको क्या चाहिए? एड्रेस, एड्रेस भेजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी। 42 बजरंग नगर। ये एड्रेस तो 42 बजरंग नगर। रोज रात को हमारी जिंदगी से खेलने के बाद मन ना भरो कंचन को, अब जा सबसे खेलेगी। लेकिन भाभी को इन सब चीजों की जरूरत क्या? भाई तेरी तलवार में जंग लग गई। अबे माई तलवार में तो इतनी धार है कि हवा में हिला देना 10-20 नन्ने मुन्ने चाकू छुरी गिर जाए जमीन पे। समस्या तुम्हारी भाभी की आएगी यार। बाप ज्वालामुखी हैगी, जिसको लावा हमेशा फटो रहतो है। बामे चाकू छुरी भाला तो कछु भी डारो, सब पिघल के पानी हो जाए। ओ, अब समझा मैं। तभी तू प्रेशर में आके उनके सामने परफॉर्म नहीं कर पाता और भाभी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, इसीलिए ऑर्डर किए उन्होंने। ना 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 भाई, मैं रो मत, रुक जा, कुछ कुछ तो आइडिया होगा। हाँ एक आइडिया है मेरे पास। तू ना एक काम कर, जो तरीके भाभी तुझ पे ट्राई करती है ना, वो तो उन पे कर, और फिर उसके बाद ना तो इससे पहले उनके अंदर की आग बढ़ा, अंदर की। ए भाई बा में पहले भतेरी आग आएगी यार, और बढ़ाएंगे जल जाएगी बा। तुम्हें मैं जे बताओ, जे खिलौनो आएगो कब? अभी पूछ लेते हैं। एक मिनट रुको। ले जा भी रख दे। अरे बेटा बेटा, दिमाग में कर्फ्यू लग गया। का कर रहा है? अरे दुकान का है बंद कर रहा हूं बेटा। ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा तो दुकान तो बंद करनी पड़ेगी ना पापा। बेटा बिजनेस बढ़ेगा तब ना, अभी तो प्रेशर बढ़ रहा है। अरे इतने पैसा खर्च भी हो गए और कछु फायदा भी नहीं। अरे फायदा भी दिख जाएगा अंकल, पहले जो ऑर्डर बुक भाव है, बाकी डिलीवरी तो करना शुरू करें। ये ऑर्डर की लिस्ट है पापा, इसके हिसाब से आप ऑर्डर पैक करवाइए और एड्रेस लिख के मून को दे दीजिए, ये डिलीवरी शुरू करेगा, पैसे आएंगे पापा। गर्व से हमारा सीना फूल गया, 56 इंच का चौड़ा हो गया। ये तो शुरुआत है अंकल, अभी तो देखो आपका मोड़ा इतना तो सीना फुलवा देगा ना कि जा बनियान के बदले ब्लाउज पहनना पड़ेगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो,
ये डब्बे अब्बे हटवाओ अंकल, मन सा खराब कर दे हैं। हाँ हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या ब्लाउज बनियन क्या तेल तेल घसीटा राम तेरे को घसीट घसीट के मारते तेरे को। जाको करो बंद। चलो भाई कल का बोल रहा है तो परसों तक तो ऑर्डर आ ही जाएगा। पूछ लेते हैं अभी पूछ लेते हैं। हाँ हो जाएगा हाँ ये वाला काम। हो जाएगा हाँ ये वाला। पर्ची लगा हाँ, दी ना। हाँ पर्ची लगा दी। ठीक है काम करना क्या। एड्रेस लिख दिया ना। हाँ हाँ लिख दिया। जब से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है ना तब से पापा बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। बस तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो और हम जल्दी से शादी कर लेंगे। अरे वो भी हो जाएगी क्यूटी, बस एक बार गहने का रिश्ता तय हो जाए ना। बस पापा से मैं हमारे रिश्ते की बात करूंगा। मुझे तो अभी से एक्साइटेड हो रही है तुम दुल्हन बनके। अबे जिस हिसाब से बुकिंग हो रही हैगी हमें तो लग रहा है आज से पहले पूरा ग्वालियर नंग हुआ तो सबको चड्डियां पहना के हम ही आ रहे हैं। और बताओ कहाँ डिलीवर करना है। अच्छा साहिब बाय। हाँ ओके बाय आई लव यू। लव यू 2 3 4। हाँ बाय। क्या कर रहा है भाई धीरे बोलना। वापस मिलेंगे। लाओ पर्ची दो। पर्ची अच्छा एक मिनट ये लास्ट ऑर्डर है बस इसके बाद खत्म। जावे तो पतो ही ना लिखो भाई अपने हाथ से लिख लेना कि तेरा ही ऑर्डर है। खिलौनो आ गए। भाई भाई क्या कर रहा है यहां मत खोलना इसे घर पे ले जा घर पे खोलना। और सुन आज भाभी को बना दे तू और तू बन जा भाभी। मैं भाभी नहीं जाना तू जा 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 जा। क्या बात है मोनू डालने आज बड़े चमक रहे हो। बात क्या है ऐसी का जो स्पेशल बात ना है तुमने जो आइडिया दो है तो बस भाई की मुस्कान है। मजे आ गए भाई तो मजा। कल जो हमने सुताई की पूछो ही मत। मार मार के तुम्हारी भाभी के पुट्ठे सुजा दिए। जी मैं बात आई है कहे तो जैसे बच्चन ये खिलौनों से खेलते हैं ऐसे ही अगर बड़े बच्चे भी जो खिलौनों से खेलना शुरू कर दें तो लोगों की भावनाओं से खेलना छोड़ दें। कमाल एक ही रात में ज्ञानी बाबा बन गए। ऐसा कुछ सर मजाक में सही यार बात तो पते की गई है तुमने। ले पानी। ए दीपक इते आओ बेटा इते आओ जल्दी आओ बेटा इते आओ इते। अभी अपना चेहरा देखो आईनों में हैं। हाँ काए हैं के बेटा बड़ा अश्लील लगता है। और ऊपर से जो तुम मुंह में पानी भर के जो खुल्लो करो ना पता कैसा लगे जैसे कोई कुत्ता खुले में खड़ा मुंह उतरा हो। आप लोग का कहा भैया उड़ा लो मजाक। आप लोग तो जिंदगी सेट है ना। अरे नहीं दीपक भाई सबको यही लगता है कि दूसरे की लाइफ सेट है। सच बात बताऊं सबकी लगी पड़ी है। भैया हमें तो कुछ ज्यादा ही लगी पड़ी है। बचपन से वर्जी ना इतो भरो फरो है ना ओवर फ्लो होने लगा हुआ है। जो हथेली देख रहे हो इतने कभी रेखा हुआ करती थी अब आप ही दोनों लगाओ हमारे जीवन का अंदाजा। लगाओ अंदाजा लगाओ। देखो दीपक भाई तुम अकेले नहीं हो इस देश में तुम्हारी तरह और लोग भी घूम रहे हैं।
और तुम्हारी तो बस रेखा गायब हुई है ना। कुछ लोग तो इतने भरे पड़े हैं ना कि उनके सामान तक गायब हो गए, बताओ। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। हाँ भाई देखो क्या बात है भैया। भैया जी इससे सलूशन खत्म हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सब जी चतन यहीं रहता है जी। थानेदार साहब क्या बात है गई? उसको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपका लड़का टॉयज बेचने का अवैध धंधा करता है। क्या वो यही है चेतन? चल क्या हुआ सर बताते हैं। सर चल सर हुआ क्या? लेकिन चल सर क्या हुआ? अबे सपनन पर ना हमने पीएचडी कर रखी है। जो भी देखो ना बा को उल्टो ही होता है। मतलब जे किसी का ब्याह देखो तो बा का सत्यानाश होता है। चट्टी देखो तो रुपया मिलता है और रुपया देखो तो घाटा होता है, समझे? मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन तू नहीं समझ रहा भाई। यार बाकियों का नहीं पता मुझे लेकिन मैंने जो सपना देखा है ना उसके सच होने के असर 100% है। फिर भाई बात देखो सपना हम भी देख रहे थे कि हमारा ब्याह भाव कटरीना कैफ से पर भाव किससे? कंचन से। अबे तुम बेकार में डर रहे हो क्या? सपने को एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ यार। लेकिन काम तो इल्लीगली है ना, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो? अबे तुम भारत में रहते हो, अमेरिका में थोड़ी रहते हो। इतने दुकान पे जाकर खरीदने के लिए तो लोग को शर्म आती है, हैं? हर साल हम एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, क्यों भाई? जा टॉपिक पे कहूं बात ना कर सके। बाकी कंप्लेंट कहूं करो यार, लोग कुछ कहें या ना कहें अगर पुलिस को पता चल गया तो भाई भी कुछ दे दबा के निकल लेंगे। देखो माना काम अवैध है लेकिन किसी समाज सेवा से कम ना है वो। कितने सारे शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में खुशियां बांट रहे हैंगे हम। बेटा देखो काम हो गया है अभी सेट, तुम बस गहना के ब्याह की सोचो। हम खाते हैं अपना ब्रेड पकौड़, तुम भी खाओ यार और स्माइल कर दो बस। अरे खाओ ना। हाँ और हंस दो बस अब तुम, और गहना के ब्याह की सोचो। कुछ नहीं ले रहे हैं आप? अरे लीजिए, ये सब हमारी गहना बिटिया ने ही बनाओ है। सिलाई कढ़ाई बुनाई और ये सब रसोई, इन सब में एक नंबर है हमारी बिटिया। जितना हमने जाना और देखा है उस हिसाब से हमें रिश्ता पसंद है, क्यों ऋषभ? जी भाभी जैसा आपको ठीक लगे। अरे भाई शादी तुमको करनी है तो तुम बताओ पसंद है कि नहीं? जी भैया पसंद है। ये हुई ना बात, चलिए चलिए मुंह मीठा कराइए फिर। आप पहले आप लीजिए। ये लो, ये आ गया हमारा ऑनलाइन मोड़ा चेतन। और चेतन ये गहना बिटिया देख भी आया है। नमस्ते। देखो जहां तक हमारी बात है हम तो ठहरे पुराने जमाने के आदमी, लेकिन हमारा मोड़ा कह रहा था कि सब कुछ ऑनलाइन होगा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, जमानो बदल रहा है तो जमाने के साथ हम वो बदल जाते। तो हमारे मोड़ा ने दुकान ऑनलाइन कर दी। और तो और हमारा धंधा ऑनलाइन होगा। और कमाल की बात बताएं, ये रिश्तों भी ऑनलाइन हो रहा है। जी गहना समझदार है, पढ़ी लिखी है और घर के साथ साथ बाहर के सारे काम जानती है। अरे बरखुरदार आपके आने से पहले ये सारी बातें हो चुकी है। घसीट आराम जी, बस आप जल्द से जल्द लगन निकालिए
और शगुन की मिठाई का डब्बा घर पहुंचाइए। बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी, ठीक है कि नहीं? जी जरूर, मैं कल ही मिठाई लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों लेकर आएंगे, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। हाँ। आप ऑर्डर कर दीजिएगा, घर पहुंच जाएगी। भाभी जी, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है पर मैं शादी ऑनलाइन नहीं करूंगा। नहीं होगी बाबा, ऑनलाइन नहीं होगी। देखा, सब कुछ ऑनलाइन। नमस्ते भाभी, हम मोनू, चेतन के दोस्त। शगुन की मिठाई भेजिए बाने। अंदर आइए ना। बस नहीं भाभी, हम आए थे, बेटी को घर को पानी तक नहीं पीते हैं। हम चलते हैं। नमस्ते। ए हमारे दद्दू, छेका होगा। भाई। हाँ बोल। बहुत बड़ी गलती है गई। क्या हुआ? अरे बाप, मिठाइयों के डब्बे के साथ वाइब्रेटर भी चले गए। अबे तू चूतिया है क्या? भाई ध्यान ना रहो, वापस मांग ले का। अबे क्या बोलकर मांगेगा कि वाइब्रेटर दे दीजिए, मैं किसी और को डिलीवर कर रहा था, आपको हो गया। कह देंगे ना, जा डब्बे की मिठाई जो है थोड़ी ज्यादा मीठी है, खा ली तो शुगर आ जाएगी। अरे भाई तू रिश्ता तुड़वा देगा। तू एक काम कर, तू निकल वहां से, पहली फुर्सत में निकल। हाँ। बे क्या रायता फैला दिया इसने, भगवान क्या होगा। ध्यान से भाई, अब कोई गलती मत करना। उतर से कहूं फोन आया होगा। ये एड्रेस आपने चेक किया था? हाँ ये हो गया, तुम ये लेते जाओ। ये तो ये मैं पहुंचा देता हूँ फिर। हाँ नमस्ते अंकल। पापा ये बस बस खुश रहो। हाँ साहिबा हैं। आपको कैसे पता? आप हैं तुम्हें बेटा, सब पता है हमें। वैसे तो बड़ा नालायक बेटा है माँ, लेकिन हमें पूरा भरोसा है तू एक दिन जाए सुधार देगी। अब खड़ा खड़ा शर्मा काय रहा है? हाँ जा माँ से मिला दे। अब तू भी तैयारी कर ले, तेरी और गहना की शादी एक ही दिन कर दे। जा जा जा। चलो। ए ऑनलाइन जनरेशन भी। अरे भैया। अरे आओ भैया, तुम्हारे लाने ही इंतजार कर रहे थे। एक मिनट, इतने आओ इतने आओ ना। एक बात बताए, तुम्हें जो गोली दाई थी ना, वो गोली तो एकदम बेकार दाई थी, लेकिन बाकी के अलावा जो कुछ तुमने दाओ था ना, एकदम कमाल का मजा आ गया। अब माँ की वजह से हमको अपने कमरे से सारे पलंग हटा दो। क्यों क्यों का? हर रोज नौ पलंग को तोड़े। कसम से तक कमाल का दो ना, जितना खेलो खिलाओ से उतना ही मजा आ रहा था। हाँ हमको और हमारी गर्लफ्रेंड को जो खुशी दो ना, उसके लाने आते कमरा परमानेंट तुम्हारा। ऐश करो, अब इस कमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। कहो साहिबा, हम लोग शादी कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। कि एक काम करो, शादी से पहले एक आखिरी हनीमून मना लो, हम चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।
हम चलते चलते हैं, मनाओ मनाओ मनाओ। भैया क्या बात साहिबा, चले पहले तुम। संजय जी कछु बताइए तो सही, का होगा? चल चल उतर उतर उतर, रेडी रेडी। नमस्ते भारत, हम खड़े हैं ग्वालियर की उस दुकान के आगे जहां काम उत्तेजना वाले खिलौने, बिल्कुल सही सुना आपने, काम उत्तेजना वाले खिलौने अवैध रूप से बिक रहे हैं। बाहर से तो ये है अंदरूनी वस्त्र की दुकान, लेकिन यहां पर बिकता है हवस का सामान। आइए इसकी अश्लीलता आपको अंदर से दिखा रहे। कौन है आप, कौन है आप? बिना पूछे दादी हमारी दुकान में कैसे घुस रहे हैं? खुद देख रहे हैं, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियों के अंदरूनी वस्त्र खुले आम बिक रहे हैं। जो वस्त्र नीचे पहने जाते हैं, वो वस्त्र जो आज भी हमारी माताएं और बहनें अपने दुपट्टे या साड़ी के नीचे सुखाती हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अश्लील कपड़े बेचे जा रहे हैं। क्या चल रहा है, किससे पूछे कर रहे हो आप लोग? ध्यान से देखिए, ये वही चेहरा है, ये वही चेहरा है जो इस अश्लील खिलौनों को खुले आम बेच रहा है। समझ में नहीं आ रहा, ये कैमरा बंद करो अपना, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। सुनो भाई, सुनो, निकलो यहाँ से। सुनो भाई, हमें ना अपना काम करने दो, अगर हाथापाई पे आए ना बात का ऐसा बतंगड़ बनाएंगे कि ग्वालियर छोड़ो, पूरा देश छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। कर लेना जो करना, ठीक है? अभी निकलो यहाँ से। ठीक है बेटा, हम तो निकलते हैं, लेकिन तुम अब घर से मत निकलना। अब देखना ब्रेकिंग न्यूज कैसी आती है, कपड़े तुम्हारे फटेंगे। ए कैमरामैन चलो, जाओ जाओ, कपड़े फटेंगे। नमस्ते भारत, आज की ब्रेकिंग न्यूज है ग्वालियर की वो दुकान जहां चेतन नाम का एक लड़का लेडीज अंडरगारमेंट्स की आड़ में बेचता है खिलौने जो कि हमारे देश में बैन है, और उन्हीं खिलौनों का इस्तेमाल करने वाली एक महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया है, जिसके छोटे भाई का रिश्ता चेतन की बहन के साथ तय था। क्या कर दो बोला तूने, क्या कर दो, यो सब कुछ बर्बाद करके धर दो, हमारा धंधो भी चला गया, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई, और तो और अब हमारी कहना बिटिया का ब्याह कभी नहीं होगा।
ऑनलाइन के चक्कर में तो चलोगे, कहना बेटी ब्याह भी नहीं होगा। जी करो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा अभी। ऑनलाइन बिजनेस करेगा चाइना जाएगा चाइना। अजय तेरा दोस्त दूध वाला हटो। भाई हमें माफ कर दे यार, ये सब हमारे कारण भाव है। मेरे पापा के दोस्त वकील हैं, उनसे कुछ बात करूं? अभी नहीं, जब जरूरत होगी मैं बोल दूं। अभी तुम घर जाओ। चेतन ये भी तो मेरा। प्लीज साहिबा, शायद तुम्हारे सामने पापा मम्मी मुझे कुछ नहीं कह पा रहे। अगर तुम चली जाओगी तो अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे, हल्का फील करेंगे। प्लीज साहिबा। क्या मिला तुम्हें तमाशा करके? तमाशा तुमने कर रखा है अर्चना, तो यूज करने तक तो ठीक था, पर अभी डिवोर्स? अरे डिवोर्स फाइल करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि तुम मुझे बेड पे सेटिस्फाई नहीं करते हो। एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए अच्छा सेक्स बहुत जरूरी होता है। 3 साल हो गए हमारी शादी को, एक बार भी तुमने मुझे ऑर्गेज्म फील नहीं कराया है। डिवोर्स तो खैर मैं बहुत पहले लेने वाली थी, लेकिन खुद को रोक लेती थी, लेकिन उस दिन के बाद नहीं रोक पाई। अर्चना सुनो मेरी बात, मेरे दिल की कोई कदर है कि नहीं? भैया ये मीडिया ने जे तमाशा लगा रखे हो, सुना है कि तुम पे केस होगा भाई? सुन लो ना, अब कहते कंफर्म करने आए हो? भैया जे बात करते हो, हम तो बस ये कहने आए थे कि हम तुम्हारा साथ देंगे, अजय कछु भी हो जाए हम तुम्हारा साथ ना छोड़ेंगे। और भैया जो काम तुम दोनों ने किया ना, बहुत अच्छा किया है। और भैया हम ना अपने फेसबुक में ना अपने डॉल के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं, और वो हैशटैग भी लगा रहे हैं, वी नीड तो ऐसे। भैया हो गए पोस्ट, देख ले। सही, ये सेक्स टॉयज बिकने चाहिए, इससे लड़कियों का रेप नहीं होगा और ये लड़कियां सेफ भी रहेंगे। ये तो इस देश की मर्यादा और संस्कृति के खिलाफ है, ये तो इस देश में नहीं चलना चाहिए। देखिए ये हमारे देश की महिलाओं को भ्रमित करने का एक प्रयास है। सोचिए जरा, जिस तरह से उस महिला ने अपने पति को छोड़ दिया, उस तरह से देश की सारी महिलाएं अगर अपने पतियों को छोड़ दें तो इस देश का क्या होगा? अरे ये हमारी संस्कृति और सभ्यता पर कुठाराघात है, ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। कब हो? पता नहीं, ये क्या है जी? देखता हूँ क्या है। देश की संपत्ति मिट्टी में मिलाओगे तो हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। कछुए का? नहीं नहीं, वो ऐसे ही। हेलो। हाँ हेलो मोनू,
वो न्यूज वाली लड़की का नंबर मिलेगा क्या? मैं उसके शो में जाना चाहता हूँ। हाँ करते हैं। ठीक है बाय। आज हमारे शो में मौजूद है वो शख्स जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चेतन जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप अंडरगारमेंट्स की आड़ में अवैध धंधा कर रहे हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि चेतन ने अवैध काम तो किया है, इसलिए उन्हें अपनी साइट तुरंत बंद करने का आदेश सुनाती है और जुर्माने के तौर पर सरकार को 50,000 रुपए भरने का हुक्म सुनाती है। जिस दंपति ने इसके खिलाफ केस किया था उन्होंने वो केस वापस ले लिया है, इसलिए अदालत चेतन को ये सजा मुकर्रर करती है। ॐ भूर्भुवस्य तत्सत् वरेण्यं प्रभो देवस्य हि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव पिता, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। यजमान, दूसरे वर को बुलवाइए। जी आप। अरे वो आ रहा हूँ। पंडित जी शुरू कीजिए। ओम देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एव माता च पिता, त्वमेव